यहूदी जो थे ना वो सहरी नहीं करते थे, सहरी का नामो निशान नहीं था, रोज़ा रखते सहरी नहीं करते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे और यहूदियों के दरमियान फ़र्क ही सहरी का है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी खाया करो, सहरी खाने में बरकत है। और अगली बात सुननी है आपने तो खुश हो जाना है, सहरी को मामूली ना समझे, सहरी करना इबादत है। हाँ, आप मत समझें कि मैं रोटी खा रहा हूँ, ये तो मेरे सामने दही रखा हुआ है, ये तो सालन रखा हुआ है, ये तो अचार रखा है, तो चपातियाँ रखी हैं, सहरी खाना इबादत है। आप सुबह उठे, आपकी तो रूटीन ही और थी, तो 7 बजे खाते थे, 9 बजे खाते थे, ये जो आप सुबह खा रहे हैं उठ के सहरी में, अपनी मर्जी से थोड़ी खा रहे हैं, ये तो किसी के कहने से खा रहे हैं, ये तो किसी के बिठाए बैठे हैं। ये जो सहरी का लंगर है ये रब रसूल की रहमत के साथ अता होता है, ये करम है, ये अल्लाह रसूल के बिठाए बैठे। क्या मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बात खोली है, तरगीब व तरहीम में हदीस है, अल्लाह करे ये कभी चस्का लग जाए, ये वाला मजा आ जाए, तो फिर तो घर में दस्तरखान नहीं बिछा हुआ होगा, फिर तो रंग ही कोई और होगा। हुजूर फरमाते अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमतों का नुज़ूल फरमाते हैं। खाई रोटी जा रही है, पका हुआ खाना है, लेकिन हुज़ूर फरमाते हैं रब भी रहमतें फरमा रहा है और अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते भी रहमतों का नुज़ूल कर रहे हैं।